पीछे से हमने सही इसको मंड के लाया है। क्या करेगी दादी नहीं को ना सुना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज हम गांव जा रहे हैं क्योंकि रात को बारिश और ओले पड़े हैं ना, तो गंदम देखनी है कि गंदम की क्या सूरत हाल है। और दूसरा ये भी हमने देखना है कि ईद के कितने दिन बाद या कितने टाइम बाद गंदम तैयार हो जाएगी, फिर हम उसी हिसाब से तैयारी करके जाएंगे। तरोड़े वगैरह इकट्ठे करते हैं, उसके बाद मशीन का पता करते हैं, सारा कुछ अरेंजमेंट करके एक ही दफा हम जाते हैं। बाइक की कंडीशन जो है काफी बुरी है क्योंकि उसका टायर पिछले बार खत्म हुआ है। अबू ने कहा था कि गाँव जाने से पहले इसका टायर डलवा लो। इस टायर की वजह से सफर जो है ना काफी रिस्की हो गया है। इसकी ट्यूनिंग भी करानी थी, तकरीबन साल डेढ़ होगी इसकी ट्यूनिंग नहीं करवाई, ऐसे ही हम चलाए जा रहे हैं। इसके ऑयल की कंडीशन क्या है कोई हमने चेक नहीं किया, तो आइए आपको दिखाते हैं जरा बाइक की कंडीशन। तो इमरान भाई जो है ना बाइक पे बैठ बैठ के थक गए थे। ये टायर कंडीशन देखें जी, टायर जो है ना काफ़ी घिसा हुआ है। आने जाने का फासला जो है ना तकरीबन 140 किलोमीटर है, तो देखते हैं जी बाइक हमारा साथ देता है कि नहीं देता। ये हम साथ पंप ही लेके आए हैं क्योंकि कोई पता नहीं होता रास्ते में, क्योंकि रमज़ान है ना तो शॉप जल्दी बंद हो जाती हैं पंचर वाली। पिछली दफ़ा भी हमारे साथ ऐसे हुआ था, मतलब कि आज से 2 साल पहले ऐसे हुआ था कि मोटरसाइकिल पंचर हो गया था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, शॉप सारी बंद थी, वो भी हम रमज़ान का ही सीज़न था। चलो जी हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया है। यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर हमने जाना है, गाँव पहुँचेंगे और इंशाल्लाह वहाँ पे जाके ना थोड़ा सा विलाप करेंगे। तो इस वक्त हम आधे रास्ते में पहुँचे हैं, तो इमरान भाई कह रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि बाइक पे बैठ बैठ के थक गए थे। यहाँ से आगे तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर फासला है ना, ये रोड सीधी जाती है आगे, ये दुलताला जादली डुडयाल चकवाल मोटरवे, ये मोटरवे पे सीधी रोड जाती है। और इमरान भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, थक गए थे काफ़ी। चले आए इमरान भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं वरना देर हो जाएगी। अभी बाइक जो है ना हमारा यहाँ पे आके बंद हो गया है, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तकरीबन यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर रहता है हमारे गांव का फासला, और यहाँ पे शायद बाइक गर्म हो गया इस वजह से बंद हो गया। पेट्रोल तो ठीक है इसका है ना, लेकिन ये शायद गर्म हो गया इस वजह से, पेट्रोल इसके अंदर बहुत है, सिर्फ ये है कि गर्म हो गया। ये आगे चढ़ाई थी ना, इतनी चढ़ाई भी नहीं है, लेकिन पीछे से हमने सही इसको मंड के लाया है, तो यहाँ पे आके बंद हो गया। ये वो जगह है ना, वो सामने हमारा हाई स्कूल है और ये प्राइमरी स्कूल था, हमने जो मैट्रिक है ना वो वहाँ से की है, इमरान भाई ने भी वहाँ से मैट्रिक किया, मैंने भी की है, और अबू ने भी वहीं से मैट्रिक किया, उसके बाद मायताया ने भी वहीं से मैट्रिक किया है, दूसरे जिशान भाई उन्होंने भी मैट्रिक वहाँ से किया, गुलफरान भाई ने भी किया है। इसके कॉइल तो नहीं जलेगी क्योंकि पहले भी 1-2 दफा ऐसे हुआ था, पिछली दफा वो उतराई उतरते हुए खराब हुआ था और इस दफा ये चढ़ाई चढ़ते हुए खराब हो गया है। अच्छा जनाब, ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना ये इसकी चेंज होगी क्योंकि करंट जो है आगे आ नहीं रहा था, वो ख़राब हो गया, तो ये इसमें डालेंगे। ये कहते हैं ये स्टार्टिंग कॉइल है, ठीक है ये ख़राब हो गई, इसकी जगह दूसरी डालेंगे। अभी हम आ गए अपने खेतों में, ये वही खेत है जो आपने मेरा लास्ट शायद व्लॉग देखा ही नहीं देखा, उसमें मेरी इनके साथ लड़ाई हो गई थी क्योंकि इन्होंने पानी खोला हुआ था, और जहाँ पे साबुन वाला पानी था ना, तो जहाँ पे पानी था वहाँ से गंदम ख़राब हो गई थी। अभी असर का टाइम हो गया, मैं और इमरान भाई जा रहे हैं दूसरे खेत में, वहाँ पे भी देखनी है गंदम की क्या सूरत हाल है। उसके बारे में मैंने सुना था कि वो गंदम अच्छी है, लेकिन मुझे इसका डर था कि ये ख़राब ना हो जाए, तो माशाल्लाह से अभी तक ठीक है, अल्लाह करे कि आगे जो है तूफान वगैरह ना आए। अगर आपने मेरा दूसरा व्लॉग नहीं देखा जिसमें मेरी इनके साथ लड़ाई हो गई थी, ठीक है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है वो व्लॉग आप देख लें या फिर आप चैनल को विजिट कर लें, ठीक है वहाँ पे आप वो व्लॉग देख सकते हैं, आपको असल रीज़न पता चल जाएगी मेरी इनके साथ लड़ाई क्यों हुई थी। तो हम दूसरी ज़मीनों में आ गए, ये जो गंदम है ना ये अभी जो हम गंदम देख के आए हैं ना हमारे वाली, उससे ज़्यादा ये बेहतर है, हालांकि उसके अंदर हमने खाद डाली थी और इसके अंदर हमने खाद नहीं डाली थी, अभी बारिशें नहीं हुई थी, इसका कद छोटा था उसका कद ज़्यादा बड़ा था, तो हमें ये लगा था कि ये जो गंदम है ये छोटी रह जाएगी ये सही नहीं होगी, लेकिन इसने कद भी अच्छा निकाला है और माशाल्लाह से सिट्टे भी इसके बिल्कुल बराबर हैं। और यहाँ पे देखें, मैं असल में आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा था, ये वाली चीज़ देखें, मुझे इस तरह का डर था कि ये देखें गंदम इनकी ज़्यादा ऊंची थी, कद इसका ज़्यादा था और हवा पड़ने की वजह से नहीं ये सारी गंदम गिर गई है। अब इसका नुकसान ये होगा कि इसको बीमारी लग जाएगी या फिर इसकी ग्रोथ नहीं होगी, इसके सिट्टे की ग्रोथ नहीं होगी, इसके दाने जो है ना वो छोटे रह जाएंगे, बारीक रह जाएंगे, ठीक है ये इसका नुकसान होगा। तो ये गंदम जो है ना माशाल्लाह पिछली दफ़ा हमारी ये गंदम गिर गई थी और दूसरी वाली गंदम भी हमारी गिर गई थी जो अभी हम पहले देख के आए हैं। हमने ज़मीन में आमदोरफ्त का रास्ता रोकने के लिए ना हमने ये गड़ा खोदा था ये वाला। तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, ये रोडें जो है ना ये अभी बनी हैं, पहले ये कच्चे रास्ते होते थे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी, ठीक हो? और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है।
ਵਿਆਹ ਕਾ ਕਰੀ ਕਿ ਦਾਦੀ ਸਨੇ ਕੋ ਨੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਨੋ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਕਰ ਫੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਐ ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਰੀਲੀ ਦਾ ਕਰਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਆ ਜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ चलो फाइनल ठीक है चलो कुछ नहीं करना है। अच्छा ये वो बंदा था ना अभी हम जो पहले गंदम देख के आए हैं और उसके बाद ये दूसरी वाली गंदम देखी है, ये जो दूसरी वाली गंदम देखी है ये इस बंदे को हमने दी हुई है। वो अब्दुल्ला और बाबू चाची आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, इधर इधर रखे ना मेरे तो। क्या हाल है जी? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक सुनाओ सही ठीक है। तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं, रास्ते में अभी मिले थे चाचू और अब्दुल्ला मिला था। अब्दुल्ला जो है ना आज इतकाफ बैठेगा तो जाएंगे इंशाल्लाह उससे भी मिलने के लिए, उसको इतकाफ जो है बिठा के आएंगे। ये भी खूब आने लगी हुई है, चलो इसको डिटेल से बाद में देखेंगे। और ये हमारा लेमन, इसके भी फूल निकले हुए हैं। वाह क्या सीन है। ऑरेंज के भी फूल निकले हुए हैं ना, गर्मियों में ये लगना शुरू हो जाते हैं, सर्दियों में जाके पकते हैं। आलूबुखारे के साथ ना फूल लगे हुए हैं, ये फूलों से भरा हुआ है, इसका मतलब है साथ आलूबुखारा लगेगा। और ये दूसरा आड़ू जो है ना, आड़ू इसके साथ लगे हुए हैं लेकिन इसके साथ लगा हुआ है जनाब केला लगा हुआ है बहुत ज्यादा। चकोतरा जो है ना ये काफी बड़ा हो गया, ये तो सही जंगल बन गया। हो सकता है कि अगली दफा इसके साथ चकोतरे लगे। तो बाइक मैंने अंदर खड़ा कर दिया, अभी जा रहे हैं पप्पो के घर, ठीक है वहाँ पे चलते हैं क्योंकि वहाँ पे भी एक व्लॉगर बंदा है, ठीक है वो भी व्लॉग बनाते हैं, देखते हैं कि अभी वो क्या कर रहे हैं। हमने इतला तो दे दी थी कि हम आएंगे तो व्लॉग बनाएंगे। वो अंजला आ गया। आओ जी कुछ बेला फैसा पे रोजा रखे ही, रोजा रखे ही कोई नहीं, खून कटेगा स्नान रोजा रखे। सुना क्या हाल ही? ठीक है सलाम कर येरा तकने पे ना, सलाम कर उधर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले फोन लेने मारा हो और बासो। अस्सलाम वालेकुम जी, जी ठीक है आप जी करिए। और सुना। अस्सलाम वालेकुम खोजे मार, क्या हाल है? ठीक है अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? ये क्यों चुप रही है पीछे? ना भैया मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ। क्या हाल है? ठीक हो? पापा किधर हैं? ओ नाबिया ये कौन है? लाइट ऑन है। ओ गोलू मोलू क्या हाल है? ठीक हो? रो तो नहीं रही है? हाँ जी चुपचाप लेटी हुई है। एक मेरी मर्जी है कि यहाँ पे एक लगा लूँ, यहाँ पे एक आलू बुखारा लगा लूँ क्योंकि जगह है ना। अच्छा ये जो लेमन लगा हुआ है ना, ये वाला, ये मोटे वाला लेमन है, वो मैंने दिखाया था ना अंजला, इतना मोटा लेमन जो है माल्टे जितना लेमन था। यहाँ से सारा पानी और जितनी भी खुराक होती है ना ये सारे जज़ब कर रहे हैं। आज ट्यूशन नहीं गए? ट्यूशन का मैं काम कर चुका हूँ, ट्यूशन का काम कर चुका, बल्कि आज संडे भी है ना, छुट्टी होगी ना। तो अभी इफ्तारी का टाइम हो चुका है। ओ अब्दुल रहमान भी आ गया। आओ जी सुनाओ क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो? तो आज का व्लॉग ना इन दोनों से एंड करो, ये अब्दुल रहमान तो शर्मा गया तो अंजला एंड करेगा इस व्लॉग को। करो जी आज का व्लॉग यहाँ पे हम एंड करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दे, अल्लाह अल्लाह हाफिज।